अरब सागर में भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो का सफल ऑपरेशन। लाइबेरिया के जहाज के अपहरण की कोशिश की खबर आते ही आईएनएस चेन्नई चल दिया और कुछ घंटों के भीतर 15 भारतीयों सहित 21 लोग सुरक्षित बचा लिए गए। नौसेना के इस ऑपरेशन को दुनिया भर में रणनीतिक अहमियत मिल रही है। अब नौसेना ने अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी में एक दो नहीं 10 से ज्यादा युद्धपोत उतार दिए हैं। संदेश साफ है, पूरे समंदर में उसकी निगरानी चलेगी। जितने गवर्नमेंट डिसीजंस वगैरह चाहिए था वो तो बहुत ही जल्दी मिल गया था, और ये टाइम क्रिटिकल एक्टिविटी था क्योंकि जितना डिले हो सकता है, अगर पैरेट साउंड बोर्ड है तो वो अगर वो सिटाडल को ब्रीच करें तो फिर क्रू तो उनके कस्टडी में आ जाएगा, तो उससे पहले हमको बोर्ड करना था। तो विदाउट डिले एकदम हमको ये कंकरेंस मिला था फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑल्सो। भारत ने केवल युद्धपोत ही तैनात नहीं किए हैं, साथ में टोही विमान, ड्रोन और डोनियर विमान भी निगरानी में लगे हैं। आईएनएस चेन्नई, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस तलवार और आईएनएस तरकस जैसे युद्धपोत कोई साधारण युद्धपोत नहीं है। इसमें कई रेंज की गनों और मिसाइलों समेत एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार हैं। एंटी पायरेसी अभियान में नौसेना के लिए अरब सागर काफी मायने रखता है। यह हिंद महासागर का उत्तर पश्चिमी इलाका है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए काफी अहम रास्ता है। हमें जो है, जब से हमारी आजादी हुई है, ये नौसेना ने अपना एम बना के रखा, क्योंकि उनको पता था कि भविष्य में ये पूरा रास्ता जो है उसको भारतीय नौसेना को ही गार्ड सुरक्षित करना होगा। क्यों? हम ही इतने बड़े देश हैं इस महासागर में, हमारे जितना बड़ा देश रेसिडेंट पावर तो और कोई है नहीं। अमेरिका बाहर से आके फिफ्थ फ्लीट बना के रखा हुआ है गल्फ में, लेकिन वो कितना सपोर्ट कर सकेंगे इतनी दूर ऑपरेशन। इसीलिए भारतीय नौसेना ने शिप बिल्डिंग बहुत पहले भारतवर्ष में ही शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि 1960-70 के आसपास हमारी पहली लिएंडर क्लास फ्रिगेट हमने खुद बनाई थी जो आया था उस समय से। अब तो हम एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाने लगे हैं। अरब सागर में नौसेना की इस मौजूदगी का एक संदेश और भी है, भारत अरब सागर से सटे देशों की जरूरत पड़ने पर मदद कर सकता है। अरब सागर में ये सिर्फ समुद्री लुटेरों को रोकने के लिए नौसेना की कार्रवाई भर नहीं है, ये बताना भी है कि भारत इस पूरे इलाके की रखवाली कर सकता है। इसकी राजनीतिक और कूटनीतिक अहमियत नई दुनिया में भारत की हैसियत को कुछ और मजबूत करती है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।